गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने ग्राफ सिस्टम पढ़ा है। ग्राफ सिस्टम में हमारे पास बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हमारा ये पॉइंट जो होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन, जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0, और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0। कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, तो इसकी जो भी पहले वाला पॉइंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वो हमारी एक्स की वैल्यू होगी, और जो भी हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। जो एक्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड अब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जैसे इसी पॉइंट को लोकेट करना है हमने, तो फर्स्टली क्या करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में, जैसे 1, 2, 3, 4। हमारी राइट साइड पे जो भी पार्ट होगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस। वैसे ही वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की तरफ जो वर्टिकल लाइन होगी वो पॉजिटिव की वाई की वैल्यू होगी, और नीचे की तरफ नेगेटिव की वाई की वैल्यू होगी। तो इसे भी, वाई एक्सिस को भी सेम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4। वैसे नीचे -1, -2, -3, -4। तो इधर -1, -2, -3 और -4, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो हमारे पास पॉइंट है 2, 3 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, +2, तो +2 की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। अब हमें वाई की तरफ जाना है, कितना जाना है, वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कितने स्टेप चलेंगे, 3 तक। तो यहाँ पे मीट करेंगे दोनों, अगर इस तरफ से आएँ तो, इस तरफ से अगर आएँ तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 2, 3, ठीक है। ये तो था पॉइंट्स को कैसे लाई करना है हमें ग्राफ पे। एक्सिस जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास
एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या है पॉजिटिव की और वाई की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी हमारी पॉजिटिव की। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में इधर देख, तो सेकंड क्वाड्रेंट जे है हमारे पास, तो इधर एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाती है और वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स के वैल्यू क्या है, साइन क्या आएंगे, ये एक्स का है वो माइनस का, तो वाई क्या होगा प्लस का। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा एक्स की तो नेगेटिव ही है लेकिन वाई भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, माइनस वन लिख देते हैं, माइनस वन देखिए दोनों की नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है इधर और वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, वाई हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स है जो वो नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो ये तो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रो जो आपने नाइन्थ में पढ़ी है। टेंथ में हमें क्या करना है, टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें तीन मेथड पढ़ने हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन होंगे हमें, तो हमें उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द गिवन लाइन इन टू पार्ट्स। ठीक है, जब हमारे पास दो पॉइंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल एक्स वन और वाई वन ए के कोऑर्डिनेट हैं और एक्स टू वाई टू हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट है। कुछ थर्ड पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशो में, फॉर एग्ज़ाम्पल के रेशो वन में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट हमारे पास पी है, तो P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल फ्रॉम द गिवन
3 3 पॉइंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज है जो 7.1 वो इसी फॉर्मूले पे है। एक्सरसाइज हमारी 7.1, तो एक सम है फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट हमारे पास है, ये गिवन है हमें पॉइंट ए 4 6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 8। तो हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर कर। तो जो भी जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वन और वाई वन होंगे। जिस पॉइंट तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स टू वाई टू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वन हमारे पास क्या आ जाएगा 4, वाई वन हमारे पास क्या आ जाएगा 6, वैसे ही एक्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6, वाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ये तो हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे ए से बी फाइंड करना है, तो ए बी लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो अब जो हमें वैल्यू गिवन है वो इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ए बी स्क्वायर रूट एक्स टू 6 माइनस एक्स वन हमारे पास 4 है, तो 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन है तो 8 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेम। नेक्स्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, वो भी हमारे पास 2 आया तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 8। तो इस 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये कैसे आया ये बता रहा हूँ, जैसे 8 है, 8 को हमने कैसे लिख लिया 4√2 स्क्वायर रूट सेम, 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2, ये वाला 2 सेम वैसे आ गया 2√2, ठीक है। तो रूट 8 को कैसे लिख लिया 2√2 यूनिट्स, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है हमारे पास, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 7, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4 2। हमें सेम वही फाइंड करना है, ए से बी की दूरी कितनी है। तो सेम पहले लिखेंगे एक्स वन, वो क्या आएगा 1,
वाई वन उसकी वैल्यू क्या होगी 7, वैसे एक्स टू उसकी वैल्यू क्या आएगी 4, वाई टू उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, चाहे तो आप सीधा वैल्यू यूज़ कर दो फॉर्मूले में, अगर फॉर्मूला बेसिक रहेगा फॉर्मूला लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू क्या है अब हमारे पास 4 माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7, तो 7 बड़ा है तो साइन बड़ी रकम का आता है, तो माइनस 7 है तो माइनस 5, 7 में से 2 कट किए 5, माइनस 5 स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। ए बी इक्वल्स टू 9 प्लस 25 वो हमारे पास क्या बन जाएगा 34। 34 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो सेम ऐसे छोड़ दो, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स। तो ये हम ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई, रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तो थे सिंपल सम, जब हम दो पॉइंट हमें गिवन होंगे तो हमें उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब थोड़े से अलग करते हैं सम, जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास, थर्ड सम है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स 1742 1742 माइनस वन जो माइनस वन है, एंड माइनस 4 आर द वर्सेस ऑफ ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चार पॉइंट गिवन है 1742 -1 एंड -14। वो कह रहे हैं कि अगर ये चार पॉइंट हमें शो करना है, अभी एक स्क्वायर बनाते हैं ज्वाइन करने पे, तो स्क्वायर में क्या होता है उसकी वॉल साइड इक्वल होती हैं, तो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 17, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 42, सी के कोऑर्डिनेट है -1 और डी के कोऑर्डिनेट है -4 और +4। तो अगर स्क्वायर बनाते हो तो हमें पता है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी, सी डी इक्वल्स टू ए डी, तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो बस वही फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो पहले हम ए और बी पॉइंट लेकर चलेंगे, तो ए बी पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ए से बी तक क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाला, तो एक्स टू क्या है 4 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस
7 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 -5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, तो ए और बी में दूरी कितनी है, रूट 34 यूनिट्स। अब हमें बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इक्वल्स टू, उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी और सी। तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वो, क्योंकि बी से सी तक फाइंड करना है ना, तो सी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू हो गए और बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो गए। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 -1 ही है दोनों, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, -1 -x1 वो हमारे पास क्या है, -4 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 -2 उसका होल स्क्वायर रूट -+ 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर प्लस -+ साइन माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, तो ये भी कितना आ गया, रूट 34 यूनिट्स। तो बी सी हमारे पास क्या है, रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, तो बी सी भी हमें फाइंड होगा, रूट 34 यूनिट्स आ गया। वैसे हम सी डी फाइंड कर लेंगे, सी डी स्क्वायर रूट, सी से डी तक पॉइंट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स टू वाई टू होंगे, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -4 + 4 है, तो पहले क्या आएगा, -4 - और ये माइनस। ठीक है, तो -4 - उसके वैल्यू क्या, -1 स्क्वायर प्लस 4 - -1 ठीक है, स्क्वायर आ गया। सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 - -1 स्क्वायर प्लस 4 - -1 -4 + 1 +-, तो -3 प्लस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर किया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 9, 5 का स्क्वायर 25, ये भी क्या बन जाएगा, 34। तो सी डी इक्वल्स टू, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 34 यूनिट्स। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम डी ए स्क्वायर रूट -x1। तो अब हम डी से ए तक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 7 थे, तो 1 - डी के कोऑर्डिनेट थे -4, तो क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 - -4 सेम आ जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 - 4 3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 3 उसका स्क्वायर किया 9, सीधा लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, ये भी हमारे पास क्या आ गया, रूट 34। ठीक है, तो डी ए वो भी हमारे पास क्या है, रूट 34 यूनिट।
अब चलो साइड हमने फाइंड कर ली, पहले ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, सी डी भी फाइंड कर लिया और डी ए भी फाइंड कर ली। चारों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, रूट 34। ये तो इक्वल होगा, चारों साइड इक्वल है, स्केयर है, लेकिन पहले हमें पता है स्केयर के डायगनल भी क्या होते हैं, इक्वल। उसके लिए डायगनल भी चेक कर लेते हैं पहले। डायगनल जैसे ए सी बनेंगे तो ए और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, -1 थे, तो -1 -a का कोऑर्डिनेट 1 स्क्वायर प्लस और y2 - y1 वो हमारे पास क्या बनेगा, -1 -7 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 4, 8 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 64। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, √68। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 68 यूनिट। एक डायगनल हमने फाइंड कर लिया, अब सेकंड डायगनल फाइंड करेंगे वो है हमारे पास बी डी, स्क्वायर रूट। अब बी डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास -4 माइनस बी का पॉइंट 4 था तो पहले वो माइनस हो जाएगा, प्लस वैसे ही y2 - y1 वो क्या बनेगा, 4 - 2 उसका स्क्वायर, तो -8 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 64 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये भी क्या आ जाएगा, 68 यूनिट्स। तो डायगनल भी इक्वल आ गए, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, एंड ए सी इक्वल आया हमारे पास बी डी के। ठीक है, अब चारों साइड भी इक्वल हो गए, डायगनल भी इक्वल हो गए, सो गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ स्केयर। तो जो चार गिवन पॉइंट थे वही उन्होंने पूछा था, जो वर्टेक्स गिवन थे क्या वो स्केयर बनाते हैं, जहाँ स्केयर के वर्टेक्स हैं। तो हमने पहले फाइंड किया ए बी बी सी, डिस्टेंस फाइंड कर लिया, चारों साइड इक्वल आ गई, तो उसके बाद डायगनल प्रूव किए, इक्वल आ गए डायगनल भी। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो हमारे क्या है, स्केयर के पॉइंट हैं। ठीक है, तो इस तरह के सम है बेसिकली आपके 7.1 में। ओके, तो ये आपने ट्राई करनी है घर पे, यही आपका होमवर्क है। और 7.1 में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी फिर उसमें मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।